आज भारत बंद और बीते दिनों में आगजनी, तोड़फोड़, इन सब के बीच सेना तेजी से अग्निपथ के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन विरोध के स्वर भी मुखर है। क्या यह राष्ट्रहित में है? हमारे साथ हैं जनरल मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष, आज तक पर बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब। धन्यवाद गौरव। जनरल साहब, अग्निपथ और अग्निवीर, क्या ये राष्ट्रहित में है? आखिर क्यों बने कोई अग्निवीर? गौरव, मैं इस संदर्भ में दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। ये एक ऐसा परिवर्तन है और एक ऐसी योजना है, ये ना सिर्फ सेना के लिए पर पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए, ये सभी के लिए फायदेमंद होगी एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। और यदि आप इसके जो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स में जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये सभी के लिए और ये सभी के हित में है। जहां तक सेना का सवाल है, मैं तीन चार मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सेना का यूथफुल प्रोफाइल इस योजना के कार्यान्वय होने के बाद इट विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। दूसरा, हमारे जवान जो हम रिक्रूट करते हैं या इंडक्ट करते हैं सेना में, दे विल बी मोर टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट एंड बी एबल टू यू नो ऑपरेट आर वेपन सिस्टम्स इन अ मच बेटर फैशन एंड द इक्विपमेंट इन द फ्यूचर। तीसरा, हमारा यूथफुल एंड एक्सपीरियंस का जो एक बैलेंस होगा यूनिट में या सेना में, हम उसमें भी बढ़ोतरी करना चाहेंगे। और चौथा, इनके अग्निवीरों का इंटीग्रेशन जो हमारे यूनिट्स या सेना में रहेगा, उससे भी पूरे तौर से हमको इसका फायदा पड़ेगा। लेकिन इस योजना का के बारे में बात करते ही इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या ये सोच समझकर लाई गई एक योजना है या फिर थोपी गई है एक तरह से सेना पर? नहीं, सबसे पहले मैं ये धारणा और दिस नोशन आई वॉन्ट टू कंप्लीटली डिनाई दैट ये एक ऐसी स्कीम है जो हम पर थोपी गई है। ये बिल्कुल गलत है। ये तकरीबन 1.5-2 साल से ये योजना विचाराधीन है और इसको कंटिन्यूस डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस या कंसल्टेशंस के फलस्वरूप, और ये भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हुए, इसके पश्चात ही इसकी एक फाइनल रूपरेखा बनी है। जहां तक आपने ट्वीकिंग का सवाल उठाया, मैं कहना चाहूंगा कि जब ये स्कीम या योजना अनाउंस हुई थी 14 तारीख को, इसकी जो ब्रॉड और या मोटे तौर पर रूपरेखा, इसको बताया गया था। और उसके बाद जो उसके डिटेल प्रोविजंस है, या जैसे आपने पिछले 3-4-5 दिन में देखा है, ये प्रोविजंस को एक एक क्लैरिफाई किया गया है। तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि ये स्कीम को पहले ही 4-5 दिन में हमको ट्वीक करना पड़ा है। मुझे लगता है गलत धारणा है ये। लेकिन इसका विरोध जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जगह जगह विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, क्या आवश्यकता है इस समय कि आप इसको रोकें, रीअसेस करें, रीएनालाइज करें, जो विरोध के स्वर है उनको, उनके जो इश्यूज है उसको एड्रेस करें और फिर रीलॉन्च करें? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी राय में ये विरोध के स्वर है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस स्कीम के बारे में मेरी समझ में पूरी जानकारी लोगों को, जिस तरह से होनी चाहिए थी वो जानकारी लोगों के पास थी। तो जैसे जैसे लोग इस स्कीम को समझ पा रहे हैं, खास करके युवा, तो जितनी भी आशंका या अप्रिहेंशन या गलत धारणा लोगों के या युवाओं के मन में थी, उसका मुझे लगता है अभी पर्याप्त समाधान हो गया है। और इसके चलते द एक्सेप्टेबिलिटी और इसके जो बेनिफिट्स है, ये मुझे लगता है युवाओं को अभी समझ में आ रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केवल आप पेंशन बिल को घटाने के उद्देश्य से इस तरह की स्कीम लाई गई कि आप 4 साल उनकी सेवा भी ले लो और पेंशन भी ना देना पड़े, ग्रेचुटी भी ना देना पड़े, कुछ ना देना पड़े, उनको 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाए और केवल 25% को सेना में लिया जाएगा। ये भी मुझे लगता है एक्सट्रीम पोजिशन है और बट ये सच नहीं है।
जो आप स्कीम को यदि सही तरीके से समझेंगे तो जैसे मैंने बताया है, 4 साल में एक युवा जब फौज में 4 साल काटने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब बाहर समाज में या सोसाइटी में जाएगा तो उसको इस तरीके से वो इक्विप होगा, ही विल कैरी अ यूनिक रेज्यूमे, उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी बिना, और डिसिप्लिन और जो फौज के वैल्यूज और क्वालिटीज को छोड़कर, मुझे लगता है एक पर्याप्त मात्रा में वो अपने आप में, अपने आप को समाज में एक जगह बना पाएगा। ही हैव इज यूनिक आइडेंटिटी, एक उसकी अलग पहचान रहेगी जिसको समाज में उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद होगी। जैसे हम बात करते हैं कि 25% को आप सेना में लेंगे, प्रयास होगा कि कुछ आरक्षण सरकारी नौकरियों में उनको दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो तो 1979 से है, क्या आपकी दृष्टि में वो सफल रहा है और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सेना क्या करेगी और सरकार को क्या करने की जरूरत है? जहां तक सेना का सवाल है, ये हमारे लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा कि 4 साल के बाद जो 75% युवा समाज में जाएंगे उनको किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर पाए। और इसके संदर्भ में आप सबको जानकारी दी गई है कि किस तरह से इनको अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अलग अलग क्रेडिट्स दिए जाएंगे ताकि जब वो सेना से 4 साल बाद बाहर निकलेंगे दे आर सूटेबली किटेड, सूटेबली इक्विप्ड। जहां तक उनके आगे फ्यूचर या भविष्य का सवाल है, आपने देखा कई केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, अलग अलग एजेंसीज ने, कई कॉरपोरेट हाउसेस ने आरक्षण के बारे में इसका अनाउंसमेंट की है और उसके बाकी डिटेल्स आगे चलते ये फर्दर क्लैरिफाई होते रहेगी। मैं अंत में सिर्फ ये आश्वस्त कराना चाहूंगा युवाओं को कि जब आप 4 साल सेना में टाइम काटने के बाद बाहर निकलोगे आपके पास पर्याप्त या उससे भी अच्छी मात्रा में क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, हुनर आपके पास होंगे एंड दिस विल बी अ यूनिक अपॉर्चुनिटी विच दे विल हैव टू स्टेप आउट इनटू द सोसाइटी। एक प्रश्न और, आपने क्या ये अभी भी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है, जब आप लोगों को सेना में शामिल कराएंगे तो अगर कुछ इसमें आपको लगा ट्वीक करने की जरूरत है, क्या ये ट्वीकिंग चलती रहेगी बेनिफिट करने के लिए जवानों को? जैसे अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो क्या एकमुश्त उसको पैसा देना उचित होगा, या आपकी दृष्टि में क्या ये भी एक प्रयास होना चाहिए कि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल, ये ट्वीकिंग की आवश्यकता हो सकती है? तो मैं इसके जो डिटेल्स है उसमें जाना नहीं चाहूंगा स्पेसिफिकली, आपने 2-3 मुद्दे उठाए उसके बारे में, बट मैं इतना ये कहना चाहूंगा कि ये स्कीम एलैबोरेट डिटेल कंसल्टेशंस के फलस्वरूप या पश्चात हमने इसकी फ्रेमवर्क या रूपरेखा बनाई है। एज वी गो फॉरवर्ड, जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वी विल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस या हम इसमें सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकते हैं एंड दैट इज अ ओपन इशू। तो ये नहीं है कि ये स्कीम यहीं पर एक लकीर के तौर पर दिस इज द फाइनल थिंग। तो ये मेरा इस पर जो युवा आज सड़कों पर है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? इनके लिए मेरी एक ही राय या एक अपील रहेगी कि इन सब चीज़ों को छोड़कर ये अपना, अभी हमने रिक्रूटमेंट का शेड्यूल और रैली का शेड्यूल अनाउंस किया है या घोषित किया है, इसकी अधिसूचना भी हमारे वेबसाइट पर है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये सब छोड़कर ये इस काम में कॉन्सेंट्रेट करें कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली और रिटर्न एग्जाम के लिए किस तरह से आपको तैयार करें एंड फोकस ऑन दिस। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक सेना का सवाल है, सेना में अनुशासन को हम बहुत महत्व देते हैं और हम चाहते हैं कि जो युवा हमारे साथ आए वो अनुशासन, देश प्रेम, नेशनलिज्म,
इन सब मुद्दों पर खरे उतरे। तो इस तरह से हम युवाओं को चाहेंगे कि दे फोकस ऑन दीज इश्यूज एंड ना कि किसी और बहकावे में आकर इंडल्जेंस सर्टन अदर एक्टिविटीज। तो कोई युवाओं को बहका रहा है, बहकावे में ये सब हो रहा है, आप क्या ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नो रोल बैक, नो स्टॉपिंग अग्निवीर स्कीम, नो स्टॉपिंग अग्निपथ, क्या ये तय है? नहीं, इसका तो कोई प्रश्न नहीं है। ये स्कीम बहुत डिटेल डेलिब्रेशंस के पश्चात अपनाई गई है, तो इसमें रोल बैक, और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है। तो मैं चाहूंगा युवाओं को, या उनको आह्वान करूंगा कि अभी अपने रिक्रूटमेंट की तैयारी में व्यस्त हो जाए, उसमें ज़्यादा ध्यान दे, और ये जो एक सुनहरा मौका उनको मिला है अपने खुद उज्जवल भविष्य के लिए और देश सेवा के लिए, उसका पूरा पूरा फायदा उठाए। सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव।